Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today we are going to discuss a question. That question is from your NEET 2021 question paper. And question is about PCR, polymerase chain reaction. So question aapka polymerase chain reaction se related. NEET 2021 mein pucha gaya question hai, during the process of gene amplification using PCR. PCR ko karte huye hum log jab gene amplification karte hain, if very high temperature is not maintained, agar high temperature maintain nahi karte in the beginning, shuruaat mein, then which of the following step will be affected first? Kaun sa step jo hai PCR ka sabse pehle affected hoga? To PCR polymerase chain reaction, aur isme teen step hai. Sabse pehla step hai hamara denaturation. Denaturation को हम लोग melting भी बोलते हैं, melting of DNA. Melting of DNA का मतलब है double strand DNA को अगर आप heat कर दें तो इनके बीच में दोनों strand के बीच में जो hydrogen bond है break हो जाते हैं, double strand DNA get converted into single strand DNA. DSDNA, double strand DNA, single strand DNA में बदल जाएगा, उसको हम लोग melting of DNA या denaturation of DNA बोलते हैं. ये पहला step है. तो first step है हमारा denaturation. उसके बाद है annealing. जब इससे आगे प्राइमर, ये जो हमारे सिंगल स्टेप सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो गए, डबल स्ट्रैंड डीएनए को जब आपने हीट किया, ये दोनों अलग अलग हो गए. अब इस पे आगे प्राइमर अटैच हो जाएगा फिफ्थ प्राइम एंड पे. तो इसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ प्राइमर ओवर द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, दैट इज कॉल्ड एनीलिंग. इसको एनीलिंग बोलते हैं, सेकेंड स्टेप है. एनीलिंग के बाद ये प्राइमर से अब डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे और ये स्ट्रैंड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सटेंशन. तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनीलिंग, तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन. ठीक है जी. डीनेचुरेशन 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. एनीलिंग जो है नियर अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और एक्सटेंशन आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. तो वैसे तो तीनों ही टेम्परेचर हाई हैं, लेकिन सबसे हाई टेम्परेचर क्या है? सबसे हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन का. अगर हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में नहीं बदलेगा. कौन? डीएसडीएनए. डीएसडीएनए विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए. तो डीनेचुरेशन स्टेप सबसे पहले जो है हमारा, ये सबसे पहले इफेक्ट होगा. आपसे पूछा गया था कि अगर हम हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते तो कौन सा स्टेप सबसे पहले इफेक्ट होगा? आंसर वुड बी डीनेचुरेशन, ऑप्शन सी. चलिए अपनी एनसीईआरटी में देखें कहाँ पे इसके बारे में कुछ आपको बताया गया है. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पेज नंबर 202, चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें है आपका चैप्टर आपका 11, क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 11 पेज नंबर 202, जहाँ पे पीसीआर को डिस्क्राइब किया गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को. तो आइए एम्प्लीफिकेशन ऑफ, ये देखिए एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग PCR. PCR स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन, मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हैं, बिलियन कॉपी बना सकते हैं, ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज इन विट्रो. तो दो टर्म यूज होते हैं, इन विट्रो इन वीवो. इन विट्रो मीन्स इन लैब अंडर मैन मेड कंडीशन, अंडर मैन कंट्रोल कंडीशन, और इन वीवो इन साइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर इन विट्रो हम लोग यूज कर रहे हैं, PCR इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग टू. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसको जब डीनेचुरेशन किया, हीट किया नियर अबाउट 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड. सिंगल स्ट्रैंड में बदल गया, दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ मेल्टिंग और मेल्टिंग ऑफ डीएनए. उसके बाद प्राइमर आके अटैच हो जाएंगे कहाँ पे? फिफ्थ प्राइम एंड पे. तो ये फिफ्थ प्राइम एंड, ये इसका है आपके सिंगल स्ट्रैंड का, ये फिफ्थ प्राइम एंड पे, फिफ्थ प्राइम एंड ये आपका सिंगल स्ट्रैंड का, और ये आपका फिफ्थ प्राइम टू थर्ड प्राइम, ये कहाँ पे अटैच हुआ? थर्ड प्राइम एंड पे. मैंने शायद अभी पिछली बार जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो फिफ्थ प्राइम एंड बोल दिया था ना, थर्ड प्राइम एंड पे. और फेसिंग ये जो है हमारे प्राइम एंड, ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. तो थर्ड प्राइम एंड पे, ये फिफ्थ प्राइम एंड इधर है और ये थर्ड प्राइम एंड है. थर्ड प्राइम एंड पे आप जानते हैं OH ग्रुप फ्री मिलता है, इसीलिए एक्सटेंशन जब भी होता है थर्ड प्राइम एंड से होता है. इनके बीच में एस्टर बॉन्ड बनते चले जाएंगे, किनके बीच में? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और अल्टीमेटली इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. तो हमेशा एक्सटेंशन किधर से होता है? थर्ड प्राइम एंड से होता है. अब ये थर्ड प्राइम एंड इसका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का, उससे आगे लगा प्राइमर, थर्ड प्राइम एंड के अपोजिट होगा फिफ्थ प्राइम एंड. जब आपने सिंगल स्ट्रैंड में बदल दिया इसको, ये थर्ड प्राइम एंड, ये प्राइमर जो लगा इसका इधर फिफ्थ प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड, थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप फ्री मिल रहा है.
तो इससे जुड़ते चले जाएंगे आपके डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, इसको हम लोग प्राइमर को अटैच होना सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से, दैट इज कॉल्ड एनीलिंग, जो कि मैंने आपको बताया एनीलिंग कंपेरेटिवली लेस टेम्परेचर पे होती है, लो टेम्परेचर पे होती है, ये 94 to 96, ये आपका नियर अबाउट 60 और एक्सटेंशन आपका 72। ठीक, तो एनीलिंग सेकेंड स्टेप है, उसके बाद एक्सटेंशन हो जाएगा। टेक पॉलीमरेज जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीआर से रिलेटेड, वो यही पूछे जाते हैं कि इसमें एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है हमारा टेक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, या इसको हम लोग टेक पॉलीमरेज भी कहते हैं। एक्सट्रैक्ट किससे किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया थर्मस एक्वेटिकस, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ये हीट स्टेबल एंजाइम है। आप जानते हैं ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर एंड प्रोटीन गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर नहीं होता, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर आपने प्रोवाइड किए हैं। प्राइमर क्या है, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, तो डाई न्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और पॉली न्यूक्लियोटाइड, डाई में 2, 3 से 9 ओलिगो, 10 एंड मोर पॉली, तो केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड इन द रिएक्शन। डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से क्या होता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे और एक्सटेंशन हो जाएगा, एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट, ये जो जीनोमिक डीएनए है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, द सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली बिलियन टाइम्स, अगर हम इसको साइकिल को दोहराते रहेंगे तो बिलियन कॉपीज बना सकते हैं, दैट इज 1 बिलियन कॉपीज आर मेड, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, 100 करोड़, तो बिलियन कॉपीज बना सकते हैं। सच रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन इज अचीव बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए, ये जो आप रिपीटेड साइकिल्स कर रहे हैं इसकी खासियत क्या है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है थर्मोस्टेबल है, और ये आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से थर्मस एक्वेटिकस से, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है थर्मोस्टेबल है, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट किया गया है, टेक पॉलीमरेज भी इसको बोलते हैं, और अगर आप 29 to 30 साइकिल रिपीट कर देंगे तो 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक हो जाते हैं। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन बी यूज टू आइसोलेट टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग, ये एम्प्लीफाइड जो सेगमेंट है इसको हम लोग वेक्टर से लाइगेट कर सकते हैं फर्दर क्लोनिंग के लिए, उसके और भी कॉपीज बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका पूरा पीसीआर। देखिए आफ्टर 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपी आपको मिल जाएंगी, ये बात यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि 1 बिलियन कॉपी के लिए आपको कितने साइकिल एटलीस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे, दोहराने पड़ेंगे, तो 30 साइकिल आफ्टर 30 साइकिल मोर देन 1 बिलियन कॉपी गेट फॉर्म। ओके जी, तो यही सब बातें आपसे पीसीआर से रिलेटेड पूछी जाती हैं, तीनों स्टेप पूछे जाते हैं, तीनों स्टेप का क्या काम है, डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है, एनीलिंग में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है पूछा जाता है, हाई टेम्परेचर सबसे हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन में चाहिए, इससे एक्सट्रैक्ट किया गया है डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं टेक पॉलीमरेज, उसको हमने थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया है उससे एक्सट्रैक्ट किया है, कितनी कॉपी बना सकते हैं मोर देन बिलियन, और 1 बिलियन कॉपी के लिए कितने साइकिल रिक्वायर्ड होंगे 30। यहाँ पे आके आपका पीसीआर कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलें अपनी उधर, तो ये पूछा गया था आपसे कि कौन सा स्टेप सबसे पहले इफेक्ट होगा, इफेक्ट तो तीनों ही होंगे लेकिन सबसे पहले क्या इफेक्ट होगा, सबसे पहले हमारा डीनेचुरेशन इफेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यू शुड गो विद इट। तो यहाँ पे आके मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ, वीडियो के अंत में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, थैंक यू।